Avengers! Assemble. हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रे आर्मर में। तो गाइस, अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब मैं देख रहा था हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2, और इसका हर एक सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट हिटिंग है। एंड इवन फॉर एग्जांपल हम देख लें तो जब हैरी पॉटर हम लोगों को स्नेप के बारे में एक्सपोज करता है पूरे स्कूल के सामने, वो सीन हो या फिर स्नेप की डेथ वाला जो सीन हो, ये सारे के सारे सीन्स जो हैं मूवी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा हार्ट हिटिंग फील होते हैं। एंड पर्सनली मैं इन सीन से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड फील करता हूँ। तो इसी मूवी को वापस से देखते वक्त मेरे दिमाग में ये थॉट आया दैट ये मूवीज़ जो हैं, मतलब जो फिक्शनल मूवीज़ होती है, ये हमारी रियलिटी से इतनी ज़्यादा दूर होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा रिलेटेबल हमारे लिए कैसे हो सकती हैं। आई मीन इन मूवीज़ को देखने के बाद में, मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके पास में इतनी पावर्स होती है या फिर वो इतने स्पेशल होते हैं, इसके बावजूद भी हम इन कैरेक्टर से इतना ज़्यादा रिलेट क्यों कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हमारे लिए इतने ज़्यादा रिलेटेबल और लवेबल किस तरीके से बन जाते हैं। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना इस देरी के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। बाहर क्या लाऊं द इंट्रो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हैरी पॉटर के बारे में आज की वीडियो के अंदर में। उसके बाद में हम मार्वल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम दो चीजों के बारे में और बात करने वाले हैं, बट उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, अभी से नहीं बता दे रहा हूँ, सारा सस्पेंस खराब हो जाता है यार। सस्पेंस मेंटेन करते हैं, जस्ट कोऑपरेट विद मी प्लीज़। तो अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर के बारे में। तो इस स्टोरी की जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो है ये हर दम अपने एक पॉइंट को हमेशा सेटअप करने में लगी रहती है। मतलब ये स्टोरी जहाँ से शुरू होती है, यानी कि हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन जिस मूवी से शुरू होती है, वहीं से ये अपने हर एक चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप करती है, और इसीलिए हम इन कैरेक्टर से इतना ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। इसका ये भी एक रीज़न है, और इसके सस्पेंस एलिमेंट के कारण ही जो हैरी के पेरेंट्स की जो डेथ होती है वो जो एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खास रहता है, क्योंकि हमको पता है कि हैरी पॉटर के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है एंड उनको वोल्डेमॉर्ट ने मारा रहता है। लेकिन इस बारे में हमको आगे चल के भी बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होते हुए दिखाई जाती है, और भी बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हमको पता चलते हैं। एंड ऑल्सो इसमें से ही इसका एक पार्ट है जब हमको बताया जाता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो रही होती है, उस मोमेंट पे स्नेप आ जाता है एंड वही वहाँ पे हैरी को वहाँ से बचा के लेके जाता है। और ये चीज़ हम फ्रेंचाइज की फाइनल पार्ट में देखने को मिला था। मतलब तुम समझ लो, इस चीज़ के बारे में हमको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया गया है, लेकिन इसकी और भी अलग अलग एंगल्स हम लोगों को मूवीज में आगे चल के अनफोल्ड होते हुए दिखाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि ये रिलेटेबल इसलिए भी है क्योंकि हम सभी एक टाइम में स्टूडेंट्स रह चुके हैं, या फिर तुम में से बहुत से लोग अभी भी स्टूडेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए हैरी पॉटर सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है, इस बात से तुम बिल्कुल डिसएग्री नहीं करोगे कि हैरी पॉटर में जिस तरीके की फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया गया और जिस तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो हर एक बच्चे का कभी ना कभी वैसा सपना होता है। इवन मैं भी जब पहली बार मैंने हैरी पॉटर देखा था तो मुझे भी इस तरीके से फीलिंग आती थी कि यार मेरा भी स्कूल अगर ऐसा होता और ऑल दैट स्टफ़। और इसी कारण से हैरी पॉटर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेंचाइजी भी रही, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी इसी कुछ रीजंस के कारण रह पाई है, क्योंकि अगर हैरी पॉटर स्टूडेंट्स को नहीं पसंद आती तो ये शायद बहुत ज़्यादा घाटे में भी जा सकती थी। इवन इसके राइटर्स खुद कंफ्यूज थे कि ये चलेगी भी या नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स एंड किड्स ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही, क्योंकि अपने फैंटेसी एलिमेंट के कारण ही ये बहुत ही ज़्यादा हिट हो पाई है। क्योंकि हम लोग इस सबसे रिलेट भले ही नहीं कर पाते हो, लेकिन हम उससे प्यार करने लगते हैं, जो लव हो जाता है इससे, यही एक रीज़न है जो कि हैरी पॉटर सक्सेसफुल रही और लोगों की अभी तक फेवरेट है। इसमें हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है, जो कि एक तरीके से प्लेजर वाली फीलिंग हम लोगों को देता है कई बार, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है जो लोगों को अक्सर चाहिए होती है, जैसे कि जिस तरीके के दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल हरमाइनी, रॉन, सीरियस ब्लैक, इस टाइप के फ्रेंड्स सभी को चाहिए रहते हैं। हम लोगों को डंबलडोर के जैसा एक हेडमास्टर चाहिए रहता है स्कूल के अंदर में, मैकगोनिकल जैसे टीचर्स चाहिए रहते हैं, स्नेप जैसे टीचर्स होने चाहिए,
तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को एक तरीके से, हम लोगों को जो चाहिए जिस तरीके की चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उन चीज़ों को दिखा के हमें एक अच्छा वाला फीलिंग देती है। और इस तरीके के दोस्त और फैमिली होना ही एक रीज़न था जो कि हम उससे ही हैरी जो है वो वोल्डेमॉर्ट से अलग रह पाया। मतलब अगर हैरी के पास में ये सारी चीज़ें नहीं होते, उसके आसपास ऐसे अच्छे लोग नहीं होते, तो शायद हैरी भी वोल्डेमॉर्ट की तरह एक बुरा इंसान बन जाता। लेकिन क्योंकि उसके पास में सपोर्ट के लिए इतने सारे लोग थे, उसके फ्रेंड्स थे और ऐसे टीचर्स थे, तो वो एक सही रास्ते पर रह पाया। एंड इन द सेंस हम ये भी कह सकते कि हैरी पॉटर को अच्छा बनाने में इन्हीं लोगों का सपोर्ट जो था वो काम आ पाया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है मार्वल। मार्वल हम सभी ने बहुत ज़्यादा देखा है एंड मैं भी पर्सनली मार्वल, मैंने सबसे पहले जब हॉलीवुड में फैंटेसी जॉनरा को एक्सप्लोर किया था तो वो मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थ्रू ही एक्सप्लोर किया था। क्योंकि जब ये रिलीज़ हुआ था और जब एंड गेम आने वाली थी तब बहुत से लोगों ने मार्वल देखना शुरू किया था एंड उसके बाद में ही वो मार्वल फैंस बने थे एंड मैं भी ऐसे ही लोगों में से एक हूँ। तो इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का है। मतलब हर पॉइंट पे एकदम परफेक्ट नहीं है लेकिन हम उसे समझ सकते हैं, उसे सेंस कर सकते हैं, उसके कारण ये कैरेक्टर्स हमारे लिए रिलेटेबल बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि हैरी पॉटर से बेटर राइटिंग मार्वल की है, नहीं, हैरी पॉटर की कैरेक्टर राइटिंग जितनी अच्छी और किसी की भी कैरेक्टर राइटिंग नहीं। लेकिन क्योंकि मार्वल के अंदर में जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है उसके कारण हम इन कैरेक्टर से भले ही स्क्रीन पर वो दिख नहीं रहा है, भले ही स्क्रीन पर वो अच्छे से हम लोगों को प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, फिर भी हम लोग उस चीज़ को समझ जाते हैं और इन कैरेक्टर्स से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। इस मूवी के अंदर में कैरेक्टर पर्सपेक्टिव को हम समझ जाते हैं और उसी से हम उन कैरेक्टर्स को समझना शुरू करते हैं। जैसे कि कैप्टन अमेरिका का पर्सपेक्टिव हम लोगों को पता चल जाता है इस मूवी के अंदर में, जहाँ पर वो बोल रहे थे दैट जो हाइड्रा को उन्होंने एक्सप्लोर किया था इन द कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर मूवी, हम लोगों को पता चलता है कि जैसे कैप्टन को अब भरोसा नहीं रहा है सिस्टम के ऊपर एंड इसी के कारण वो उस सोकोविया अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। पर वहीं हम लोगों को आयरन मैन का भी पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि वो क्यों उस अकॉर्ड्स के साइड से है, क्योंकि उसके ही अनजाने में उसकी ही कंपनी कितना ज़्यादा गलत काम कर रही थी। वो लोग आर्मी की जगह टेररिस्ट को भी वो सारे वेपन्स बेच रहे थे जो कि बेचने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है एंड टेररिस्ट हम सभी को पता है वो कितना गलत काम करते हैं। तो इस चीज़ को जब आयरन मैन एक्सप्लोर किया तो वो यही चाहता था कि अवेंजर्स भी सरकार के दायरे में रहे एंड हर चीज़ एक कंट्रोल में रहे। इन कैप्टन का पर्सपेक्टिव भी सही था क्योंकि हम सभी को पता है दैट अगर अवेंजर्स सरकार के कंट्रोल में रहेंगे तो उनको हमेशा ऑर्डर्स का वेट करना पड़ेगा, और अगर वो ऑर्डर्स का वेट करेंगे और कोई बड़ा सा वापस से कोई बड़ा इन्वेजन होता है, एलियन इन्वेजन होता है जैसे अवेंजर्स 1 ने हुआ था, तो अगर अवेंजर्स इस टाइप के ऑर्डर्स का वेट करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान हो सकता है। तो हम ये समझ पा रहे थे कि दोनों कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव अलग अलग है और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, और इसी से हम उनको समझते हैं और फिर उनसे रिलेट होना शुरू होते हैं। और क्योंकि हमारे भी इस तरीके से हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि हाँ इसमें कौन सही और कौन गलत, तो जो भी जिस विंग को सपोर्ट करता है वो उस कैरेक्टर से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पर जो ये है हल्क। अब हल्क का जो कैरेक्टर है वो कभी भी सफ़र नहीं करता है, लेकिन उसकी ऑल्टर ईगो ब्रूस वो हमेशा ही परेशान रहता है हल्क के कारण। जब भी हल्क कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ वाला काम कर देता है एंड आउट ऑफ कंट्रोल जाके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, उससे ब्रूस का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। और हम इस चीज़ को देख ही सकते थे अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में, जब उसने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो उसके एक्सप्रेशन हम समझ पा रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा परेशान और टेंस्ड फील कर रहा है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन हल्क डेड एंड मैन को जब उससे आके रोकना पड़ा था। इस चीज़ से वो वाला जो सीन था जहाँ पे आयरन मैन और हल्क ने फाइट की थी उसके कारण जितना भी नुकसान हुआ था उससे ब्रूस जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान सा लग रहा है इस सीन के अंदर में, एंड इसी चीज़ को हल्क ने भी समझ लिया था। एंड फिर उसके बाद में वो इस चीज़ को समझ एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के एंड में वहाँ से निकल जाता है कि भाई मेरे कारण किसी और का नुकसान होना ही नहीं चाहिए, मैं किसी और ऐसे प्लैनेट पे जाकर रह लूँगा जहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
एंड वो डिजर्व नहीं करता है अर्थ जैसे प्लैनेट पर रहना। तो वहाँ पे हम उसे समझते हैं और ये फील करते हैं कि हाँ हल्क डिप्रेशन में है, वो बुरा फील करता है। एंड दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से एक कनेक्शन रखते हैं, भले वो एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पर, बात करेंगे थॉर के बारे में। अब देखो थॉर का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ फर्स्ट मूवी के अंदर में रिलेटेबल रहा और उसके बाद में आने वाली मूवीज़ के अंदर में उसका जो कनेक्शन फील जो था, मतलब और आगे चल के भी उसी टाइप से स्टोरी राइटिंग रहती तो हम थॉर के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते, लेकिन उसके बाद में फिर उसे ऐसे एक गॉड लाइक बींग की तरह ही रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था तो उसके कारण हम थॉर से उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे थे। उसके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, ये हम लोगों को इसके बाद में की मूवीज़ में दिखाया नहीं गया था। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट के अंदर में हमको दिखाया जाता है कि वो सफ़र कर रहा है एंड वो उसको जब एसगार्ड से निकाल दिया गया था उसके बाद में वो कैसा फील करता है, ये चीज़ हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही दिखाई गई थी। उसके बाद में आने वाले अवेंजर्स मूवीज़ के अंदर में, थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर में हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लोर करके दिखाया गया था। लेकिन जब थॉर रैग्नारोक मूवी आई उसके बाद में थॉर का कैरेक्टर पूरी तरीके से ही चेंज हो गया, उसका बिहेवियर भी चेंज हुआ एंड साथ ही साथ में हम उसके दुख और उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझ पा रहे थे। क्योंकि थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी जो थी उसमें भले ही कैरेक्टर को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया लेकिन उसका इफेक्ट ज़रूर अपकमिंग मूवीज़ में देखने को मिल रहा था। जैसे कि हम सभी को पता है कि द थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के एंड में थॉर की जो मॉम रहती है उनको कुछ डार्क एल्फ जाके मार देते हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को थॉर का उतना पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बाद में जब थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर में जब ओडिन डिसअपियर हो जाते हैं वहाँ पे हम थॉर का जो है अंदर उसके क्या चलता है, वो क्या सोचता है, ये हम चीज़ें फील कर पा रहे थे मूवी के अंदर। इसके बाद में जब थॉर रैग्नारोक के अंदर में स्टोरी बढ़ती है एंड वहाँ पे जब हम लोगों को दिखाया जाता है कि थॉर जब अपनी नई पावर्स को एक्सप्लोर करता है, जब उसको ओडिन वापस से दिखते हैं उसी जगह पे एंड जब वो नया डिसीजन लेता है उस टाइम पे उसकी जो पावर है वो जब खुद को एक्सप्लोर करता है तो हम लोग भी एक एक्साइटमेंट फील करते हैं और उसके बाद में हम थॉर को और समझना शुरू करते हैं। इन्फिनिटी वॉर के अंदर में भी जब लोकी की डेथ होती है वहाँ पे भी थॉर जब इमोशनल हो जाता है तो हम उसके एक तरीके से हम कनेक्शन उससे फील करना शुरू कर देते हैं। एंड अवेंजर्स एंड गेम के अंदर में भी जब वो मोटा हो जाता है तो वो चीज़ भी रिप्रेजेंट करती है कि वो डिप्रेशन में कितना ज़्यादा है, मतलब अभी तक वो अपने सैडनेस को बाहर नहीं आने दे रहा था, अंदर ही अंदर रख रहा था। लेकिन जब उस वो पूरी तरीके से जब टूट जाता है मूवी में तब वो मोटा हो जाता है, वो डिप्रेशन में रहने के कारण इतनी ज़्यादा बियर कंज्यूम करने के बाद में। तो हाँ मैं ये कहूँगा कि थॉर रैग्नारोक के बाद से थॉर का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर बन गया एंड मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग मूवीज़ में हम थॉर से और भी ज़्यादा रिलेट करना शुरू कर सकते हैं। एंड अब हम बात करेंगे आयरन मैन के कैरेक्टर के बारे में। तो गाइस टोनी स्टार्क का जो कैरेक्टर वो हम लोगों को पहली मूवी से ही ऐसे कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो हमेशा यही सोचता है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है उसको बचाना सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। एंड जब वो आयरन मैन 2 के अंदर में सफ़र कर रहा होता है अपने उस आर्क रिएक्टर के कारण, जो पैलेडियम पॉइजनिंग होती है उसके कारण, तो हम उन चीज़ों को फील कर पाते हैं कहीं ना कहीं। एंड टोनी स्टार्टिंग से ही ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है कि मतलब हम उससे हार्ट के क्लोज रहता है वो कैरेक्टर हमेशा ही। अब चाहे वो सीन्स हो जहाँ पे वो पीटर को एक अच्छा सुपर हीरो बनाया जाता है एंड उसके जो ड्रीम्स उनको अचीव करने में उसे हेल्प करता है, वो सारी की सारी चीज़ें वो उसे एक लवेबल कैरेक्टर बनाती हैं एंड इसीलिए आयरन मैन इज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम मूवी हिस्ट्री। यही सारी चीज़ें हैं जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को और भी ज़्यादा रिलेटेबल बनाती है। अब देखो ऑफेंड मत होना लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ पे दैट यही सारी जो चीज़ें हैं वो DCEU के अंदर में मैं मिसिंग फील करता हूँ और यही मुझे अपने अगले पॉइंट पर लेके आता है DCEU। अब देखो DC का जो यूनिवर्स है वो हमेशा से एक कूल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह रिप्रेजेंट किया गया है और जो पर्सपेक्टिव था जैक स्नाइडर का DC की टुवर्ड्स वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसके अंदर में कैरेक्टर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पर्सनली मुझे कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा फीका सा फील हो रहा था DC की मूवीज़ के अंदर में, चाहे फिर वो मैन ऑफ स्टील हो, वहाँ पे बिल्कुल भी सुपरमैन का कैरेक्टर रिलेटेबल फील नहीं होता है, वहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल भी वो कनेक्शन उससे फील नहीं हो पाता है, फिर वो BVS के अंदर में मिसिंग लगता है हम लोगों को। मैंने बैटमैन के कैरेक्टर से तक रिलेट नहीं किया यार, बैटमैन है वो बैटमैन,
उस कैरेक्टर से मैं सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि आयरन मैन और बैटमैन दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं डीसी और मार्वल के अंदर में जिनसे कुछ भी करके कनेक्शन फील हो ही जाता है। और ये चीज क्रिस्टोफर नोलन वाली बैटमैन ट्रिलॉजी में बिल्कुल भी मिसिंग नहीं थी। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड उसके अंदर में बैटमैन का कैरेक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन डीसी के अंदर में वो चीज़ कहीं ना कहीं फीकी सी रहती है एंड उतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया जाता उस चीज़ को। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला बैटमैन उतना अच्छा नहीं, बेन एफ्लेक ने इस मूवी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन मैं इस चीज़ से उतना सेटिस्फाइड नहीं था और मैं बिल्कुल भी ऐसे कनेक्शन फील नहीं कर पा रहा था बीवीएस के अंदर में बैटमैन के कैरेक्टर से। कैरेक्टर के अंदर में डीपनेस है लेकिन रिलेटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम। और इसके अलावा सुपरमैन का जो डेथ सीन था मूवी के अंदर में एंड में, वो भी उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। वो उस टाइप की सैडनेस या फिर फीलिंग ऑफ लॉस हम लोगों को मूवी में बिल्कुल भी आती ही नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मिसिंग सी फील हो रही थी फीलिंग्स इस मूवी के अंदर में, इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ऐसे खाली से फील हो रहे थे इन मूवीज़ में। इन सिर्फ दो तीन कैरेक्टर्स ऐसे हैं या फिर दो तीन ऐसे सीन्स हैं जिनके अंदर में हम इसे फील ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डीसी के अंदर में इमोशंस है ही नहीं, डीसी में कुछ सीन्स के अंदर में ज़रूर हम लोगों को इमोशंस देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डायना प्रिंस एके वंडर वुमन का कैरेक्टर, इनकी जो सेकेंड मूवी थी यानी कि वंडर वुमन 84, इस मूवी के अंदर में जब डायना दौड़ रही होती है स्टीव ट्रेवर के डेथ के सीन के बाद में, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था और बहुत ज़्यादा हिट किया था मुझे मूवी के अंदर में। मैं थिएटर में इस मूवी को देखने गया था एंड मुझे ये सीन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हिट किया था। इसके अलावा जो साइबॉग के फादर के डेथ सीन था मूवी के अंदर में इन जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, वो सीन भी बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग लगा था मुझे एंड पर्सनली वो सीन एकदम अनफॉरगॉटेबल और एपिक है। और इसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोगन। अब देखो लोगन एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे तुम कनेक्शन फील कर ही लोगे अगर तुम लोगों ने एक्समैन सीरीज को क्लोजली देखा है, एंड बेस्ट वोल्वरीन मूवी अब तक मुझे जो लगी है वो है लोगन, जो कि बेसिकली लास्ट मूवी थी पूरे के पूरे एक्समैन यूनिवर्स के अंदर में। एक्समैन यूनिवर्स के अंदर में ह्यूग जैकमैन का जो परफॉर्मेंस है और जिस तरह की स्टोरी राइटिंग वुल्वरीन के लिए की गई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसा फील होता है जैसे अगर लोगन नहीं होता तो एक्समैन सीरीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और लोगन मूवी जो है वो एक काइंड ऑफ डिप्रेसिंग स्टोरी लाइन लेके चलती है एंड ये परफेक्ट एंडिंग फील होती है इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि वो हमेशा ही परेशानियों से घिरा रहा था एंड मूवीज़ के अंदर में हम देख सकते हैं कि वो स्मोक भी सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि कहीं इससे ही उसे कुछ हो जाए और फिर वो मर जाए, क्योंकि ये बंदा हमेशा ही डेथ के लिए क्रेव करता था क्योंकि ये अपनी इमॉर्टैलिटी से बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाता है। आज तक मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से एक है और इस मूवी के एंड को देखने के बाद में मैं अपने टीयर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। पर्सनली मैं इस टाइप के वीडियोज़ यूजुअली ज़्यादातर बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को मुझे बनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम से मैंने प्लान कर रखा था और अब जाके टाइम मिला तो मैं ये वीडियो बना दिया। तो बस आज के वीडियो के सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में जाके अपने थॉट जरूर बताओ इस टाइप की वीडियोज़ और तुमको चाहिए कि नहीं ये मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताओ। एंड अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल ग्रे आर्मर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाहर क्या आउटर जल्दी से लगा दे यार, बहुत गर्मी हो रही है, पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है।